लेक्चर इस अबाउट डी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड दिस लेक्चर इस फ्रॉम द सेल बायोलॉजी पोर्शन एंड फ्रॉम द सेल एंड इन द सेल बायोलॉजी वी हैव कंपलीटेड अप टू द फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड नाउ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नाउ व्हाट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर सिंपली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हम कि� जैसे कि कैटालाइटिक कैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं तो ऑन द बेस ऑफ फंक्शन जो मेमरीज मेमरीन प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कैटेगराइज किया गया जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कैटेगराइज किया गया इंटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ फंक्शन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन दे हैव बीन क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज तो एक तो आते हैं कौन एक सिंपली आते हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दूसरे आते हैं कैटेलाइटिक प्रोटीन्स कैटेलाइटिक प्रोटीन्स और तीसरे आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ठीक है proteins, तो ऑन द बेस ऑफ फंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो डिवाइड हुए हैं इनटू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैटालाइटिक प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं अबाउट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो वाले प्रोटीन होते हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं किनका मॉलिक्यूल्स का तो ट्रांसपोर्ट वो वाले हो गए, विच हेल्प और विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं किनका मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्बरेन तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मोलिक्यूल्स का अक्रॉस द प्लाज्मा मेमब्रेन तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की तो जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है मोलिक्यूल्स का <clears throat> थ्रू, आ, दे, थ्रू दे थ्रू द प्रोटीन्स उन प्रोटीन्स को क्या हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वही हो गए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेलेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल ठीक है अब ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है अब जो ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का ये इन द फॉर्म या थ्रू द चैनल्स हो सकता है थ्रू द चैनल और थ्रू कैरियर्स तो जो, तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं मटेरियल्स को लेकिन वाया चैनल्स और वाया कैरियर्स ठीक है तो जिस मै भी जिस सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट में चैनल या कैरियर्स यूज होते हैं फॉर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उस वाले ट्रांसपोर्ट में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं फिर ठीक है तो जहां पर भी आप देखोगे कि चैनल्स या थ्रू कैरियर्स अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें कौन से प्रोटीन्स टेक पार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ठीक अब कैरियर्स अब सारे ये जो हैं सारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं ये मल्टीपास ट्रांस ये मल्टीपास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ठीक है ये सिंपली हम यहां जिक्र करेंगे किसका कैरियर प्रोटीन का तो जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये कैरियर प्रोटीन्स या तो ये यूनिपोर्टर हो सकता है या ये को ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं तो कैरियर प्रोटीन्स एक ये टाइप है किनका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सिलेक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल का या मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें इस इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में कैरियर्स यूज होते हैं तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं या तो ये यूनिपोर्टर्स हो सकते हैं यूनिपोर्टर्स या ये को ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं को ट्रांसपोर्टर्स ठीक है अब यूनिपोर्टर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सिंगल सल्यूट को फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेमरी टू द अदर सिंपल है तो यूनिपोर्टर्स क्या करते हैं ये सिंगल सल्यूट ये सिंगल सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एन अदर साइड तो ये सिंगल सलूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं ठीक है फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अनदर साइड तो उन वाले कैरियर <coughs> प्रोटीन को हम यूनिपोर्टर्स कहते हैं ठीक अब इनमें जो सिंगल ये नॉन कपलिड ट्रांसपोर्ट जो करते हैं ये यूनिट ट्रांसपोर्ट यूनिपोटर उसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं ये जो सिंगल नॉन कपलड ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द यूनिपोर्टर इसको हम यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं ठीक है तो यूनिपोटर्स क्या हो गए वो वाले कैरियर प्रोटीन हो गए जो सिंगल सिलू ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लाज्मा टू द साइड ऑफ प्लाज्मा और इसमें जो ये नॉन कपल ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द यूनिपोर्टर्स दैट इज नोन एज द यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट तो इसको हम यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं यूनिपोर्ट अब को ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं तो so, को-ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं ये ये कपलर ट्रांसपोर्ट करते हैं ये सिंपली क्या करते हैं ये नॉन कपलर ट्रांसपोर्ट नहीं करते ये सिंगल सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट नहीं करते ये मल्टीपल सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये क्या होगा ये कपलर ट्रांसपोर्ट हम इसको कहेंगे इट्स अ कपलर ट्रांसपोर्ट एस्पेक्ट कपल ऑफ सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कपलर ट्रांसपोर्ट है ये अब इस कपलर ट्रांसपोर्ट में जो कपलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ट्रांसफर हो जाते हैं एक ही दफा बहुत सारे स्लूट्स ठीक है एक से ज्यादा सलूट एक ही दफा ट्रांसफर हो जाते हैं ठीक है इस वाले ट्रांसपोर्ट तो में तो कपल ट्रांसपोर्ट वो वाला ट्रांसपोर्ट हो गया जिसमें जिसमें क्या हो जाता है जिसमें साइमल्टेनियस ट्रांसफर हो जाते हैं मतलब एक सिल्यूट हो गया फिर दूसरा सिल्यूट भी जा रहा है हाँ तो अगर दूसरा स्लूट भी जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ठीक है तो इसमें ट्रांसपोर्ट है दैट मोर देन वन इसमें ट्रांसफर होता है अब ये को ट्रांसपोर्टर्स या तो ये सिम्पोर्ट हो सकता है या ये एंटीपोर्ट हो सकता है एम सिम्पोर्ट में क्या होता है सिम्पोर्ट में जो स्लूट्स होते हैं मोर देन वन स्लूट एक ही डायरेक्शन में साइमल ट्रांसफर होते हैं तो इसमें स्लूट्स या मल्टीपल सल्यूट्स में कहूंगा मल्टीपल सल्यूट्स ट्रांसफर होते हैं इन द सेम डायरेक्शन ट्रांसलूट ट्रांसफर ट्रांसफर इन सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली तो साइमल्टेनियस ट्रांसफर होता है सल्यूट्स का इन द सेम डायरेक्शन और इस वाले को ट्रांसपोर्ट को हम सिंपोर्ट कहते हैं ठीक अब अगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मल्टीपल सल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बट दैट मल्टीपल ट्रांसपोर्ट जो सल्यूट हो जाएगा वो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे हम क्या कहते हैं एंटीपोर्ट कहते हैं एंटीपोर्ट तो एंटीपोर्ट में क्या हो जाता है एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में सिल्यूट ट्रांसफर होते हैं देखे? तो इसमें अगर एक डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है अगर ये इस डायरेक्शन में ये सिलूट इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा सिल्यूट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ठीक है तो इसको क्या कहेंगे दिस इज कार्ड एज द एंटीपोर्ट और इस और जो ये इसको कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट जो कैरियर प्रोटीन इस, इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे हम उनको कहेंगे हम एंटीपोर्टर्स और जो सिम्पोर्ट में ये हेल्प करते हैं उनको हम सिम्पोर्टर्स कहते हैं और इनको हम एंटीपोर्टर्स कहते हैं तो सिंपल सी अगर मैं यहाँ पर एक फिगर के जरिए आपको दिखा दिखाऊंगा कि ये यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट और ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लाज्मा मेमरीन ये प्लाज्मा मेमरीन है हम यहां पर इसको ये मान लो यहां पर क्या है ये यहां पर एक कैरियर प्रोटीन है ये हो गया कैरियर प्रोटीन ये हो गए लेपिड मॉलिक्यूल्स ठीक है ये कैरियर प्रोटीन हो गया तो अगर ये यहां पर हम तीन ट्रांसपोर्ट दिखाएंगे यहां पर मैं दूसरा कैरियर प्रोटीन दिखा रहा हूं ठीक और यहां पर तीसरा वाला दिखाऊंगा तो लो जी ये तो प्लाज्मा बन गई अब हम इसमें दिखाते हैं जो ट्रांसपोर्ट तीनों ट्रांसपोर्ट ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं यूनिपोर्ट की बात करूं तो यूनिपोर्ट फॉर एग्जांपल ये एक सलूट है तो ये स्लूट वायदा कैरियर प्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिंगल डायरेक्शन में और सिंगल ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिंगल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसे मैं दो दैट मीन मोर देन वन सल्यूट बट वो दोनों क्या हो रहे हैं वो मोर देन वन सल्यूट एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं साइमल

ठीक है और S2 टू यहां से जा रहा है और इसकी डायरेक्शन ये है तो तो इसको हम एंटीपोर्ट एंटीपोर्ट कहते हैं दिस इज़ ठीक है तो ये होगा यूनिपोर्ट सिंपोट और एंटीपोर्ट ये तो कैरियर प्रोटीन्स के जरिए जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का अब मैंने कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, या तो ये कैरियर uh, प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट करेंगे मटेरियल्स को या तो ये चैनल प्रोटीन्स के जरिए क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स को अब जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं तो चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं ये सल्यूट्स को डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं पहली चीज चैनल प्रोटीन में ये डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दे ऑलवेज वर्क दे ऑलवेज ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट तो ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या करते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्यूट्स को तो चैनल जो चैनल्स हैं ये चैनल्स गेटेड हो सकती है या नॉन गेटेड हो सकती सकते अब गेटेड चैनल्स कौन होगी और नॉन गेटेड कौन होगी तो चैनल्स चैनल channel जो चैनल प्रोटीन्स है या जो चैनल ट्रांसपोर्ट है चैनल प्रोटीन्स के जरिए क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये चैनल प्रोटीन्स ये डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करते हैं और जो ये चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये चैनल्स ये चैनल्स या तो ये चैनल्स गेटेड होंगी या ये नॉन गेटेड हो सकता

विच ओपन स्पेसिफिक सिग्नल ये स्पेसिफिक सिग्नल पर ओपन हो जाती है स्पेसिफिक सिग्नल दे ओपन टू ए स्पेसिफिक सिग्नल ओपन टू स्पेसिफिक गेटेड चैनल विच ओपन टू ए स्पेसिफिक सिग्नल ठीक है तो जो सबसे मेन टाइप्स हैं सिग्नल्स के जो सिग्नल जो चैनल को ओपन करते हैं तो उसमें क्या आता है उसमें वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो होती है एक तो वोल्टेज आती है तो जो गेटेड चैनल अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज तो स्पेसिफिक सिग्नल है पहली स्पेसिफिक सिग्नल है वोल्टेज तो वोल्टेज voltage... तो ये पहली सिग्नल है यहां पर स्पेसिफिक सिग्नल जिससे गेटेड चैनल्स ओपन अप हो जाती तो है तो वो वोल्टेज है तो वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज अ फर्स्ट स्पेसिफिक सिग्नल टू विच द गेटेड चैनल्स ओपन तो इन चैनल्स को इन गेटेड चैनल्स को जो वोल्टेज के हाँ वोल्टेज के अकॉर्डिंग ओपन हो जाएंगे तो है वोल्टेज सिग्नल वो ओपन हो जाएंगे उनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं दीज आर नोन एज वोल्टेज गेटेड चैनल्स तो इनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहेंगे और दूसरी स्पेसिफिक सिग्नल है मैकेनिकल स्ट्रेस अब मैकेनिकल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ये भी एक मैकेनिकल uh, स्ट्रेस क्या है ये भी एक स्पेसिफिक सिग्नल है जिससे गेटेड चैनल्स ओपन हो जाती है तो जो मैकेनिकल जो गेटेड चैनल्स मैकेनिकल स्ट्रेस से ओपन हो जाएंगी उनको हम मैकेनिकली गेटेड चैनल्स बोलते हैं दीज आर नोन एज मैक केली गेटेड चैनल्स, गेटेड चैनल्स, ठीक है अब तीसरा तीसरी जो सिग्नल है यहां पर वो है लेगैंड लिगैंड तो अगर कोई लेगैंड एक चैनल के साथ बाइंड हो रहा है तो उस लेगैंड के बाइंड होने से वो गेटेड चैनल ओपन हो रही है तो उसको हम लिगैंड गेटेड चैनल बोलते हैं तो लिगैंड भी एक्ट करता है एज ए स्पेसिफिक सिग्नल तो इन चैनल्स को हम लिगैंड चैनल्स बोलते हैं गेटेड चैनल्स चैनल्स इसी तरह आयोन या आयोन गेटेड चैनल्स कभी जो लिगैंड है ये लिगैंड क्या हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा सेलर मीडिएटर भी हो सकता है या ये इंट्रा सेलर मीडिएटेड भी हो सकता है ये इंट्रा सेलर हो सकता है या एक्स्ट्रा सेलर मीडिएटर हो सकता है और जैसे कि आयान जैसे कि आयान तो आयान अगर अन है तो या अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल बन जाती है तो यहाँ पर अयन या न्यूक्लियोटाइड तो चैनल चैनल और बन जाती है, ठीक है तो जो ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव हो, तो हो सकता है या पैसे हो सकता है लेकिन चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हमेशा पैसिव होता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द चैनल प्रोटीन्स और ये जो चैनल प्रोटीन्स के जरिए जो ये ट्रांसपोर्ट जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का तो ये है, कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है तो कैरियर ट्रांसपोर्ट या carrier proteins जो करते हैं, तो उससे फास्टर ट्रांसपोर्ट चैनल्स के थ्रू होता है बाय द चैनल प्रोटीन ठीक तो ये तो था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पर ये वाला लेक्चर आई होप क्या आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा